So welcome in my YouTube channel Learning with Niketan, and in this chapter in this video we will start to the chapter 3 part 3 how do organisms reproduce. ओके सो हम ये अभी हमने लास्ट छोड़ा था वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जो है आपके थ्री टाइप्स से होता है, बाय रूट्स, बाय स्टेम्स, बाय लीव्स. तो बाय रूट्स देख लीजिए, बाय रूट्स का एग्जांपल है डहेलिया एंड स्वीट पटैटो. ठीक है, स्वीट पटैटो है ये आपके, जिसे आप शकरगंद बोलते हैं, ये आपके रूट्स से होते हैं. बाय स्टीम पटैटो एंड जिंजर, आलू और अदरक जो है ये क्या है आपके स्टीम से होते हैं. जो आलू जिसे हम खाते हैं वो रूट नहीं है, वो स्टीम है, और इनके स्टीम पार्ट से ये होते हैं. अब बाय लीव्स देख लीजिए, बाय लीव्स में क्या है, ब्रायोफाइलम पिनेटम. ब्रायोफाइलम पिनेटम जो है इसको क्या होते हैं, लीफ नोट्स ए बियर बर्ड्स विच डेवलप इनटू न्यू प्लांट्स. ब्रायोफाइलम पिनेटम जिसे हिंदी में पत्थर चटा बोलते हैं, इसकी लीफ पे क्या होते हैं, छोटे छोटे बियर्स बर्ड निकल आते हैं, और फिर वो क्या करते हैं, आफ्टर सम टाइम वो न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं. मैंने ये फिगर भी बनाया आपको समझाने के लिए, लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम बर्ड्स, फिगर नंबर 8.5 पेज नंबर 132 आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा. ओके, नेक्स्ट देखिए, अब आर्टिफिशियल मेथड्स इन वेजिटेटिव प्रोपोगेशन. वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में नेचुरल मेथड्स हो गए थे, कुछ इसमें आर्टिफिशियल मेथड्स भी हैं, जिसमें ग्राफ्टिंग है जो मैंगो में होता है ना, कटिंग है जो रोज़ में है. रोज़ में क्या करते हैं, काट के पूरा कटिंग करके प्लांट की, फिर वो दोबारा से आपके न्यू प्लांट जनरेट हो जाता है. लेयरिंग है जैस्मिन का जो प्लांट होता है. टिश्यू कल्चर जो है आपके, टिश्यू कल्चर में क्या होता है, न्यू प्लांट्स आर ग्रोन बाई यूजिंग ग्रोइंग टिप ऑफ अ प्लांट. यानी कि क्या है, न्यू प्लांट जो होते हैं आपके किससे ग्रोन होते हैं, प्लांट की टिप से. ठीक है, अब इसका थोड़ा सा देख लेते हैं आपके टिश्यू प्लांट, इसमें टिश्यू कल्चर में देखिए, दीज ग्रोइंग सेल जो होती हैं ये क्या करती हैं, कैप्ट रहती हैं कल्चर मीडियम में, और कल्चर मीडियम क्या करते हैं इसको, वो इसकी इन्फॉर्मेशन को लीड्स करते हैं कैलस में, और कैलस क्या है, कैलस इज देन ट्रांसफर टू द हार्मोन मीडियम. कैलस जो क्या है इनको ट्रांसफर करता है हार्मोन मीडियम में, जो विच क्या कोज करते हैं, ग्रोथ एंड डिफ्रेंसिएशन, जिसके एग्जाम्पल हैं ऑर्नामेंटल प्लांट्स एंड ऑर्चिड एटसेट्रा. अब टिश्यू कल्चर के बेनिफिट क्या होते हैं ये देख लेते हैं, है ना, वट इज़ द बेनिफिट ऑफ टिश्यू कल्चर. सो वी कैन ग्रो प्लांट्स लाइक, हम कौन से प्लांट्स को ग्रो कर सकते हैं, बनाना है आपके, रोज़ है, जैस्मीन है, एटसेट्रा, दैट हैव लॉट्स ऑफ कैपेसिटी टू प्रोड्यूस सीड्स. ठीक है, हम उन प्लांट्स को टिश्यू कल्चर की हेल्प से ग्रो कर सकते हैं जिन प्लांट्स में क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है सीड्स को प्रोड्यूस करने की. न्यू प्लांट्स आर जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट्स. जो न्यू प्लांट्स होंगे वो क्या होंगे, जेनेटिकली पूरे अपने पेरेंट्स की तरह सिमिलर होंगे, सेम होंगे, और वो किस में हेल्प करेंगे हमें, ग्रोइंग सीडलेस फ्रूट्स में. अब स्पोर फॉर्मेशन देख लीजिए, नेक्स्ट इसका है आपका आर्टिफिशियल मेथड जो है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में, नेक्स्ट पॉइंट है स्पोर फॉर्मेशन. तो इसमें क्या है, स्पोर्स आर स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर. स्पोर जो होते हैं आपके देखिए छोटे छोटे हैं, ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर हैं मैंने बनाए हैं, विच आर कवर्ड बाय थिक वॉल. ये कवर्ड रहते हैं पतली सी, है ना, थिक वॉल से कवर रहते हैं, और अंडर फेवरेबल कंडीशन. ठीक है, एंड दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म. और ये क्या करते हैं आपके, जर्मिनेट करते हैं और न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, जिसके एग्जाम्पल है राइजोपस. ये देखिए स्पोर हैं इसमें, है ना, ये जो मैंने बनाया आपको स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर जो है स्पोर्स, इसके अंदर स्पोर्स हैं. तो स्पोर फॉर्मेशन राइजोपस में देखेंगे आपको, फिगर नंबर 8.6 है, पेज नंबर 132 आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा. थैंक्स फॉर वॉचिंग, वी विल मीट सून.